नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। आज मेरे पास एक सैमसंग का पीसी है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है ना। ये कस्टमर की तरफ से डेट आया है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें फुल शॉर्ट है, ये मोबाइल फुल शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये मोबाइल फुल शॉर्ट है, ठीक है ना। तो पहले हम एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं ये। तो देखिए, एक बार हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मीटर को डायोड रेंज पे रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको ग्राउंड रेड वाला जो प्रॉब है ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस से बीप दे रहा है, प्लस भी देखिए ग्राउंड से बीप दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अपना जो ये मोबाइल है ये फुल शॉर्ट मोबाइल है, फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको फुल शॉर्टिंग रिमूव कैसे करना है, क्या है ये सिस्टम आज हम जानेंगे। तो इसके लिए जो एक सिंपल सा तरीका है, उसको आपको एक ऐसी बैटरी बना लेनी है। बैटरी निकालने के बाद आपका जो बैटरी होता है नॉर्मल मोबाइल बैटरी, वही नॉर्मल बैटरी को मैंने टेप से पे लगाया हुआ है। जैसे कि ये नॉर्मल बैटरी हो गया, इसका प्लस से एक तार लेना है और माइनस से एक तार ले लेना है, ठीक है ना। ये हो गया अपना बैटरी। उसके बाद बैटरी को आपको फुल चार्ज करना है। अब पूछेंगे कि आप बैटरी कैसे चार्ज कर सकते हो इसको। तो बैटरी चार्ज करने के लिए नॉर्मल सिंपल सा ये है, बस एक चार्जर को आप ऐसा ही नॉर्मल वाला चार्जर काट लेना, ठीक है ना। रेड प्रॉप को रेड प्रॉप और ब्लैक प्रॉप को ब्लैक प्रॉप से जोड़ के थोड़ा देर 15-20 मिनट, 10 मिनट जितना आप इसको छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना, वरना अगर चार्ज करेंगे तो फिर बैटरी ब्लास्ट होने का डर रहता है। इसलिए बस 5-7 मिनट में बैटरी फुल चार्ज डायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट चार्ज करने से, और उसके बाद आपको निकाल लेना है। तो देखिए, ये बैटरी भी हमने चार्ज कर लिया है। पहले बैटरी में चार्ज कितना है एक बार हम चेक कर लेते हैं मीटर से, ठीक है ना। देखिए, अपना बैटरी वोल्टेज 4.3 दिखाई दे रहा है, यानी कि अपना जो है बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है ना। तो हम मीटर को अभी साइड पे रख देते हैं। अब अपने को क्या करना है, जो ये मोबाइल है ये पीसी बोर्ड में, आपको डाउट कहाँ पे है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा मोबाइल पे पेस्ट लगा लीजिए। जैसे कि ज़्यादातर जो शॉर्टिंग वगैरह होती है वो सीपीयू के आसपास के कैपेसिटर वगैरह में भी होती है, तो मैं सीपीयू के आसपास हल्का सा पेस्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, मुझे जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे लगता है कि मोबाइल पे शॉर्टिंग हो सकती है, तो वहाँ पे हम हल्का पेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट जहाँ पे मुझे लग रहा था डाउट है शॉर्टिंग का, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत हर जगह पेस्ट लगा दिया, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो बैटरी का आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, आपको बैटरी को प्लस पॉइंट पे यहाँ पे जॉइन करना है, ठीक है ना। और जो बैटरी का माइनस पॉइंट है उसको बैटरी कनेक्टर के माइनस पे कनेक्ट कर देना है, तो ठीक है ना। अपना हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के प्लस को बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है ना। और प्लस पॉइंट पे बैटरी के प्लस को टच करेंगे, और जो अपना बैटरी का माइनस है, ठीक है ना, इसको बैटरी कनेक्टर के माइनस पे टच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी शॉर्ट होगा वहाँ से हल्का सा धुआं निकलने लगेगा, या फिर अगर कोई डायोड वगैरह कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट है तो वो जल जाएंगे, अगर आईसी वगैरह है तो गर्म होने लगेगा, थोड़ा सा धुआं भी उड़ता हुआ दिखेगा आपको। मैं आपको एक बार यहाँ नज़दीक से दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए, अब ये यहाँ पे मैं टॉच करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हल्का सा धुआं यहाँ के यहाँ इस साइड पे देखना, यहाँ पे हल्का सा आग निकलेगा, धुआं निकला हुआ दिखेगा आपको कैमरे में, अब क्लियर दिखेगा या नहीं। देखिए, धुआं उड़ता हुआ आग निकल रहा दिखाई दे रहा है या नहीं आपको, हल्का सा धुआं दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो यानी कि अपना ये यहाँ पे शॉर्टिंग है, एक तो ये पता चल गया अपने को। तो यानी कि अपना जो ये कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं
चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, यही तो है ना क्या के? यही वाला कैपिस्टर है। अब इस कैपिस्टर को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला कैपिस्टर। अब ये जो कैपिस्टर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ आयरन से, ठीक है ना। ठीक है ना, अपने ने ये कैपिस्टर रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो देखिए अपने ने यहाँ पे एक जो कैपिस्टर था इसको अपने ने रिमूव कर दिया, यहाँ पे जो कैपिस्टर था ये अपना शॉर्ट था, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब एक बार फिर से ये बैटरी लगा के देखेंगे, अगर शॉर्टिंग हट गई है तो यहाँ पे अब कोई इधर उधर कुछ नहीं होगा। अगर शॉर्टिंग नहीं हटी है तो फिर भी, और अगर आगे कहीं शॉर्ट है तो यहाँ से पता चल जाएगा फिर से। तो देखते हैं, और ऐसा कहीं से धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा, कहीं से जल तो नहीं रहा, कोई ऐसी गर्म आया नहीं, चेक कर लेता हूँ एक बार वहाँ। वैसे कोई ऐसी भी गर्म होती हुई नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो देखिए ऐसा कोई गर्म हुआ भी मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अब एक बार अपन इसका शॉर्टिंग रिमूव हुआ या नहीं ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, मल्टीमीटर से। मीटर को बीप रेंज में रखेंगे, देखिए, ठीक है ना। बीप रेंज में रखने के बाद ये देखिए ग्राउंड ग्राउंड से बीप दे रहा है, अब प्लस में बीप दे नहीं दे रहा, यानी कि अपना जो मोबाइल पे शॉर्टिंग था वो रिमूव हो चुका है। एक बार हम यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, रीडिंग भी ठीक ही है, एक तरफ लगभग 300 के आसपास आनी चाहिए, दूसरी तरफ आके चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रीडिंग भी वैसे ठीक ही आ रही है, ठीक है ना। अपना मोबाइल का शॉर्टिंग जो था वो रिमूव हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पे पेस्ट लगाया था उसको एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ, सब साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो पेस्ट वगैरह था इसको हम यहाँ पर क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अगर पेस्ट ऐसे ही छोड़ेंगे और ऐसे ही कस्टमर को दे देंगे तो दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे धूल डस्ट वगैरह ज़्यादा वहाँ पे उसी पेस्ट पे चिपक जाते हैं, और फिर से वहीं से फिर से मोबाइल जल्दी से ख़राब होके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई काम करते हो तो मोबाइल को पूरा क्लीन करके वॉश करके दे देना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है ना, मैंने मोबाइल भी पूरा क्लीन कर दिया, देखिए आपको पूरा बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, एकदम क्लीन दिख रहा है। तो एक बार अपना हम मोबाइल चेक करके देख लेते हैं, मोबाइल अपना ऑन हुआ कि नहीं, एक बार पैक करके देख लेते हैं। पर जहाँ तक मेरा मानना है मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए, अब अगर नहीं होता तो इसके बाद देखेंगे क्या है। बस ऐसे ही फुल पैक नहीं करता मैं, अभी बस डिस्प्ले लगा के चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, बाद में अगर ऑन हुआ तो पूरा कंप्लीट पैक करेंगे। और मोबाइल पे बैटरी लगा के ऑन करके देखता हूँ मैं, ये देखिए
अपना मोबाइल चालू हो गया, ठीक है ना। ये देखिए GTI 3572, ये देखिए अपना मोबाइल कम्प्लीटली चालू हो गया। यानी कि शॉर्टिंग हटाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको एक मोबाइल बैटरी बनानी है, बैटरी से एक तार प्लस का और माइनस का दो तार निकाल लेने हैं, इसको चार्ज कर लेना है और उसके बाद मोबाइल पे लगा के आप आराम से शॉर्टिंग हटा सकते हैं। तो देखिए अपना जो मोबाइल है वो ऑन हो चुका है, देखिए मोबाइल भी कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस सिंपल सा तरीका ये है, आपको एक बैटरी कोई किसी भी पुरानी बैटरी ले लेनी है, ठीक है ना, कोई सा भी पुराना बैटरी ले लीजिए उसको, उसके बाद यहाँ से प्लस माइनस के दो तार निकाल लीजिए और टेप चिपका दीजिए ताकि कोई शॉर्टिंग वगैरह इधर उधर कुछ ना हो, और उसके बाद इसको फुल चार्ज कर लीजिए। पर याद रखना 10 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट भी बहुत है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 4-5 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही ऐसे ही आप चार्ज में लगाओगे तो बैटरी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए सेफ्टी भी अपने लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपको 5 मिनट से ज़्यादा बैटरी चार्ज नहीं करनी है। उसके बाद जो मोबाइल शॉर्ट है उसके बैटरी कनेक्टर पे प्लस, बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे बैटरी का प्लस पॉइंट लगा लेना है, माइनस पे माइनस। और जो कोई भी कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह अगर शॉर्ट होंगे तो वो वहाँ पे नॉर्मली कैपेसिटर वगैरह इधर उधर हैं तो वहाँ से धुआं निकलने लगेगा, थोड़ा सा आग जैसा लगने लगेगा। और जो भी अगर कोई IC वगैरह शॉर्ट है तो वो गर्म हो जाएगी, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ पे है मोबाइल की, और हम उस शॉर्टिंग को रिमूव करके मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मोबाइल टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूल लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन पे मेरे सोशल हैंडल वगैरह जितने भी इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पेज के लिंक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत हो मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।